मामा भाभी नहीं आई। कोशिश तो की थी हमने, बहुत कोशिश की। ममता अभी भी अक्षय की विधिवत पत्नी है। उन दोनों के बीच अभी तक कानूनन डिवोर्स नहीं हुआ है, इस लिहाज से सिद्ध और ममता की शादी वैध नहीं मानी जाएगी। बहुत समझाया उसे, लेकिन ममता ने सिर्फ अपने दिल की सुन। वो तो अभी भी अक्षय पर गुस्सा है, इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रही है। मेरे आपसे एक ही विनती है, आप मेरा और अक्षय का डिवोर्स करवा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप ममता इस घर में वापस लौट आएगी। दुख तो अक्षय के लिए होता है, इनके चेहरे देखकर तो यही लगता है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब जल्द से जल्द खत्म हो ये ड्रामा। अरे माँ जी, वो लोग कहाँ हैं? आप तो कृष और ममता को लेने गए थे ना, वो लोग नहीं आए? क्या बात है दमयंती, तुम इतनी चुप क्यों खड़ी हो? दीदी, ममता ने अक्षय से डिवोर्स मांगा है। हरिओम। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ममता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया अक्षय। तनिषा प्लीज चुप रहो। लो, अब मैंने क्या कह दिया? अक्षय ममता को डिवोर्स नहीं देगा। अगर ममता सिद्ध के साथ रहना चाहती है, ये उसका फैसला है। तो अक्षय को भी कोई डिवोर्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये हमारा फैसला है। नहीं मां, मैं अपने स्वार्थ के लिए ममता को कोर्ट में घसीटना नहीं चाहता। भैया, भैया भाभी जो फैसला कर रही है ना, वो दिल से नहीं ले रही है, गुस्से से ले रही है। आपके शान बनने से उनका विश्वास डगमगाया है, उन्हें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। भैया मासूमा ठीक कहती है बेटा, समय बड़े से बड़े खाव को भर देता है। अगर इस वक्त जज्बात में आकर तुम एक बार ममता को डिवोर्स दे दोगे तो जिंदगी भर के लिए उसे खो दोगे बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, डिवोर्स देते ही ममता हमेशा के लिए इस घर से दूर हो जाएगी। बस ये डिवोर्स हो जाए। जिस तरह ममता ने जल्दबाजी की है वो गलती तुम मत करना। जरा सोचो, अपने दिल से पूछो अक्षय, क्या तुम ममता और कृष के बगैर जी पाओगे?
नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूं। हमें ममता को वक्त देना चाहिए, लेकिन मैं ममता से झगड़ा नहीं करना चाहता। प्लीज, मैं तो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूं, इसलिए उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। भैया, आपने डिसाइड कर लिया ना कि आप भाभी को डिवोर्स नहीं दे रहे? इतनी जल्दी नहीं दूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। देखना भैया, भाभी और कृष इस घर में जल्द होंगे। मम्मी जी प्रसाद, जब से तुम आई हो इस घर की सुबह मंदिर की घंटियों से ही गूंजती है। भगवान तुम्हें शक्ति दे, हमेशा खुश रहो। ये लो प्रसाद। थैंक यू। ये रहे तुम्हारे कपड़े, तैयार हो जाओ। थैंक यू। अक्षय बेटे, भगवान मेरे बेटे को दुनिया की हर बला से बचाए, हमेशा खुश रखे। चलो कृष्णु, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो चलो आरव, स्कूल का टाइम हो रहा है। ओके, कम ऑन। ला दे, एक और दे। ये ले, गर्मा गर्म पाव भाजी। हमारे कृष्णु का टिफिन बॉक्स तैयार हो गया। पाव भाजी, बस थोड़ा सा प्याज डाल दो। बाय कृष्ण बेटा, बाय बाय। ये लो। बाय बेटा। बहुत मिस करता हूँ। मैं भी मम्मी करता हूँ। कृष्णु, आज तुमने टिफिन में क्या लाया है? पाव भाजी। मैंने भी पाव भाजी लाया। कृष्णु, आरव, बेटू, मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट लाई। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, तुम अच्छे नहीं हो। कृष्णु ऐसा नहीं बोलते, वो आंटी है ना। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। ठीक है आरव, तुम लो चॉकलेट।
क्रिशु? मम्मा, मम्मा। तनिषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस स्कूल की टीचर मेरी फ्रेंड है, उसी से मिलने आई हूँ। मिल लिया? नहीं अभी नहीं, मिलने जा रही हूँ। पापा, मुझे क्यों नहीं लेते? आपको लेने मॉम आती है ना, इसलिए। ओके मामा के पास जाओ। हाय। हाय। हाय सर। हाय अक्षय। मैं जानता हूं कि इस वक्त मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ममता, जो फैसला तुमने कर लिया है वो मैं एक बार और तुमसे बात करना चाहता हूं। लगता है कृष्ण को बुखार है। बुखार? जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चल चल। और कीटू, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हुआ ना? वो डॉक्टर, इसे एकदम से बुखार हो गया ना तो हम सब घबरा गए थे, अब तो ठीक है। डॉक्टर, ये क्रिश को अचानक बुखार कैसे आ गया? आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैंने क्रिश के अभी कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट अभी आती ही होगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगा। रिपोर्ट्स, टेस्ट, पर क्रिश तो ठीक है, इन सब की क्या जरूरत है डॉक्टर? रिलैक्स ममता, नॉर्मल प्रोसीजर्स होंगे, है ना डॉक्टर? डॉक्टर, सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब, रिपोर्ट। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? आई एम सॉरी, रिपोर्ट के हिसाब से क्रिश ल्यूकेमिया की अर्ली स्टेज पर है। व्हाट? आपका कहना है कि क्रिश को ब्लड कैंसर है? नो डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, पर ये तो एकदम ठीक है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए, आप लोग घबराइए मत, ये तो अच्छी बात है कि हमें बीमारी का स्टार्टिंग में पता चल गया, एंड इट्स 100% क्यूरेबल। अगर ऐसी बात है डॉक्टर, तो प्लीज जल्द से जल्द इलाज शुरू कीजिए प्लीज। मुझे क्रिश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और यही एक आखिरी तरीका है क्रिश को बचाने का। क्या इसका कोई भाई और बहन है? नहीं। इस केस में हम पेशेंट के भाई या बहन के बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं, और मेरा सजेशन ये है कि क्रिश के मम्मी और पापा उसकी जिंदगी के लिए इस दुनिया में उसके नए भाई या बहन को लेकर आए।
कोई भाई या बहन उसे जीवन दान दे सकता है। ये इसकी रिपोर्ट। लेकिन इस डील के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डील? कौन सी डील? गुड। तनीषा आराम से बैठेगी, ये सोचना बहुत बड़ी भूल होगी, और यही गलती इस बार ममता और अक्षय से हुई है। अब देखो तनीषा की अगली चाल। रिपोर्ट के हिसाब से क्रिश ल्यूकेमिया की अर्ली स्टेज पर है। अगर आपको लगता है कि अनजाने में मैंने कोई भूल की है, कोई गलती की है, तो उसकी सजा आप मेरे मासूम बच्चे को क्यों दे रही है? कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और अगर वो आपका रूप है तो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों माँ? क्यों? जो परीक्षा लेनी है मेरी लीजिए, मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए, उसे जीवन दान दे दो माँ, उसे जीवन दान दे दो माँ। माँ, ये कैसे दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है तुमने मुझे, अब तुम ही कोई मार्ग दिखाओ। तुम्हारी मंजिल सिर्फ अक्षय है ममता, मैं नहीं, सिर्फ अक्षय ही है। माँ ये कैसी परीक्षा है, ममता को शक्ति दीजिए।